एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, इसके यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, देन डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, देन जो ड्रग्स होती है उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, उसके सोर्स क्या होते हैं। तो नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड देन जो एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर जो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम में जो आएगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर ही लिखना है, यहाँ पर जो मटेरियल डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को समझ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड नोट्स जो है हमारे वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर आपको मिल जाते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड जो भी अपडेट्स रहती है हमारे चैनल से रिलेटेड वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मिल जाती है, तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टा पे भी हमारा पेज है परफेक्ट फार्मेसी के नाम से, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो इससे हम लोग समझते क्या हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर किस पाथ से जा रही है, ठीक है। एंड ड्रग को हम लोग किस किस चीज़ के लेते हैं, मेनली तो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, देन किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए भी कुछ चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, देन प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो हम लोग ड्रग ले सकते हैं। तो सिंपली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर किस जगह से एंटर कर रही है। जैसे ओरल का मतलब क्या हो गया कि वो ड्रग जो है माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। ऑरिकुलर का मतलब होता है कि ड्रग जो है वो आँख के थ्रू या फिर कान के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। तो रूट्स का मतलब ये है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर किस जगह से एंटर कर रही है, किस पाथ के थ्रू जो है वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करी जा रही है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में जो रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी मेडिकेशन का, किसी भी दवाई का, वो क्या करता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि कितनी कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंची है या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंची है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास रहता है, आगे हम लोग इस टर्म को बहुत ही डिटेल के अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो ड्रग है हमने ली, जैसे ओरली हम किसी ड्रग को लेते हैं तो उसकी उतनी की उतनी कंसंट्रेशन जो है वो साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंचती है। तो कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है उसे हम कहते हैं उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। अब जो इंट्रावीनस के थ्रू हम लोग किसी भी ड्रग को देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है, क्योंकि ड्रग को हम डायरेक्टली वेन्स के अंदर देते हैं, वहाँ से वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये सिंपली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये मतलब अलग अलग किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले 2 तरीके से जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करा जा सकता है, एक तो आता है लोकल रूट, दूसरा आता है सिस्टमिक रूट, ठीक है। अब जो लोकल रूट होता है ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि आता है टॉपिकल रूट, इनहेलेशन और इंट्रानेजल रूट, ऑरिकुलर रूट, रेक्टल और वेजाइनल रूट, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक आता है एंटरल रूट, एक आता है पेरेंटरल रूट, ठीक है। अब एंटरल रूट जो है इसके अंदर भी एक तो आता है ओरल रूट, दूसरा आता है सबलिंगुअल और बकल रूट। पेरेंटरल जो है इसके अंदर हमारे पास आता है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राकार्डियक एंड इंट्राथिकल। अब इनके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कुछ रूट के ऊपर क्या स्टार लगा रखा है, तो इनका मतलब क्या है कि ये किस रूट के अंदर आएंगे एग्जैक्टली, लोकल के अंदर आएंगे, सिस्टमिक के अंदर आएंगे, एंट्रल के अंदर, पेरेंट्रल के अंदर, वो चीज़ जो इनकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे इनहेलेशन और इंट्रानेजल जो है ये लोकल के अंदर भी आ सकते हैं, सिस्टमिक के अंदर भी आ सकते हैं। सबलिंगुअल और बकल जो है ये एंट्रल के अंदर भी आ सकता है, पेरेंट्रल के अंदर भी आ सकता है। बाकी सिंपली जो है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूट जो आता है वो हमारे पास आता है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं जाती है, जहाँ पर भी हमें दिक्कत आ रही है वहाँ पर हम लोग ड्रग को अप्लाई कर लेते हैं, वहीं पर ही हमें जो एक्शन होता है ड्रग का वो मिल जाता है।
ठीक है। जैसे हमारे क्या होता है कि कहीं पर नेल पड़ गया तो वहीं पर हम लोग जो है झंडू बाम वगैरह लगा लेते हैं, वहीं पर ही हमारा एक्शन आ जाता है। वहाँ से क्या होता है ड्रग जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं जाती, उसी जगह पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, वहीं पर ही जो एक्शन है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है हाई कंसंट्रेशन जो है वो डिजायर्ड साइट पर सीधे ही अप्लाई हो जाती है, क्योंकि हम क्या करें जहाँ पर हमें दिक्कत है वहीं पर ही हम ड्रग को जो है अप्लाई कर रहे हैं। सो अब जो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर भी हमारे पास सबसे फर्स्ट रूट जो है वो आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट के अंदर क्या होता है किसी भी ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करा जाता है सरफेस के ऊपर लोकलाइज्ड एक्शन के लिए। मतलब जैसे वही चीज़ है कि टॉपिकल का मतलब ये हो गया कि हम स्किन के ऊपर जो है ड्रग को सिंपली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लोशन हो गया, लिनिमेंट हो गए, क्रीम हो गए, इनको हम लोग क्या करते हैं सीधे सीधे लोकल सर्फेस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। यहाँ से जो चीज़ें होती है वो सिस्टमिक के अंदर ना के बराबर जाती है, मतलब ब्लड के अंदर जो ड्रग है वो ना के बराबर जाती है। तो टॉपिकल का मतलब सिंपली ये है कि ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करा जाता है सरफेस के ऊपर लोकलाइज्ड एक्शन के लिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं टॉपिकल रूट जो होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होता है कि टॉपिकल जब हम किसी ड्रग को देते हैं तो उसे देना जो है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि जैसे हमें किसी भी लोशन को अप्लाई करना है तो ईजिली कोई भी कभी भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड ये एनकरेजिंग होता है पेशेंट्स के लिए क्योंकि वो खुद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यही है कि ईजिली अप्लाई हो जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किसी भी लोशन को, क्रीम को, ऑइंटमेंट को हमें अप्लाई करना है तो वो सिंपली आराम से जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। देन ये पेनलेस होता है, किसी तरह का पेन नहीं होता है इसे अप्लाई करने में, एंड ये कम्प्लीटली सेफ होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसका जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, एंड अगर मतलब जो ड्रग है वो ख़राब हो गई या फिर कुछ भी अगर हो गया एंड उसके बाद गलती से अप्लाई कर दिया तो इरिटेशन जो है वो हो सकता है, या फिर कोई ड्रग सही भी है तो उसके अंदर क्या फ्रिक्शन वगैरह होता है तो उसकी वजह से क्या होता है थोड़ी सी इरिटेशन जो है उस जगह पर हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ सेकेंड आता है इनहेलेशन और इंट्रानेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, इसे नोज के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। अब जो ये वाला रूट होता है हमारे पास, ये सिस्टमिक रूट का भी पार्ट होता है, क्योंकि जब हम किसी ड्रग को इनहेल करेंगे तो इनहेल करने की वजह से वो हमारे सिस्टम के अंदर जो है चला जाता है, तो इसलिए इसे हम सिस्टमिक रूट का पार्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास जो एग्जांपल्स आते हैं इनहेलेशन या फिर इंट्रानेजल रूट के, इसके अंदर क्या होता है जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में वॉलेटाइल लिक्विड या फिर गैसेस को दिया जाता है इनहेलेशन के थ्रू, एंड उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू हो जाता है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर भी कर जाता है, इस वजह से हम इसे सिस्टमिक रूट का भी पार्ट मानते हैं। बाकी अगर किसी चीज़ को हम नोज़ के सिंपली अंदर सरफेस के ऊपर ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो लोकल रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे अस्थमा पंप हो गया, वो भी इसी का एग्जांपल आता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग का वो कंट्रोल्ड रूप में करा जा सकता है। ऐसा कैसे कि जैसे हम लोग कोई भी ड्रग दे रहे हैं, देन जब हम उस ड्रग को देना बंद कर देंगे तो थोड़ी ही देर के अंदर वो ड्रग पूरी की पूरी हमारी बॉडी से निकल जाएगी एंड उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि मतलब हम लोग को जब तक ड्रग को देना है तब तक हम दे सकते हैं, देन उसके बाद में हम उसे डायरेक्टली जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन रोक देंगे तो वो सीधे ही एक्सपायर हो जाएगी हमारी बॉडी से एयर के थ्रू, तो वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो हम किसी भी ड्रग को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो वेपर के रूप में है, तो अगर वो वेपर इरिटेंट नेचर के हुए तो उससे क्या होगा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूट हमारे पास आता है ऑरिक्युलर। ऑरिक्युलर जो है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हम किसी भी ड्रग को आई के थ्रू दे रहे हैं या फिर ईयर के थ्रू दे रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो ऑरिक्युलर रूट कहलाती है। जैसे हम आई ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करते हैं, ऑइंटमेंट जो है वो भी आई पे अप्लाई करा जाता है, ईयर के अंदर भी हम ईयर ड्रॉप्स देते हैं, तो वो रूट जो है वो ऑरिक्युलर रूट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टल या फिर वजाइनल रूट, ठीक है। तो रेक्टल या वजाइनल रूट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली रेक्टम के अंदर या फिर वेजाइना के थ्रू जो है दी जाती है लोकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये वाला रूट भी कहीं ना कहीं सिस्टमिक रूट का पार्ट हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टम या वेजाइना के अंदर तो वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकती है एंड सिस्टमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है।
तो ये हो गया हमारा रेक्टल या फिर वेजाइनल रूट। अब इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं जिन ड्रग्स को इन रूट्स के थ्रू दिया जाता है वो है डायजीपाम, इंडोमेथासिन, सपोजिट्रीज एंड एनिमास। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे बार 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 वॉमिटिंग हो रही है तो उसे हम कोई ड्रग जो है वो माउथ के थ्रू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो है हम लोग रेक्टल या वेजाइनल रूट से ड्रग दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है एंड उसे हमें ड्रग देनी है तो ओरली तो हम उसे दे नहीं पाएंगे, तो उसे भी हम रेक्टल या फिर वेजाइनल रूट से ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि जैसे कोई पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, उस टाइम अगर हम उसे इस रूट से ड्रग देंगे तो वो क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, या फिर क्या होता है कि पेशेंट इस रूट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी जब अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तो उस टाइम के लिए तो ये रूट बेस्ट रहता है, लेकिन अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो इस रूट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी दूसरी तरफ क्या है, अगर ड्रग कुछ ऐसी हुई कि वो इरिटेशन कॉज करेगी तो इरिटेशन अगर वो कॉज करिए तो ये भी हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो था ये कंप्लीट लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके अंदर जितने भी रूट्स आते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिस्टमिक रूट के अंदर क्या होगा, ड्रग जब हम लोग ले रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है या फिर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर जाती है। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच जाती है। ठीक है, मतलब हमने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी एंड ब्लड स्ट्रीम से वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाएगी, साइट ऑफ एक्शन तक डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। जैसे हमारे पास में जब भी हम किसी ड्रग को लेते हैं तो चार प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है एंड फिर एक्सक्रीशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है ड्रग ब्लड में से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो सिस्टमिक रूट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है एंड देन साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच देन। अब सिस्टमिक रूट के अंदर भी सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो आता है एंटीरल रूट। एंटीरल जो है, एंटीरल वर्ड का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन, मतलब जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन से पास होकर के साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है। ठीक है, अब जो ड्रग एंटीरल रूट से दी जाती है वो क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो शो करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी ड्रग एक पेशेंट को दी तो वो माउथ से जो है GIT की तरफ जाएगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी एंड वहाँ से वो क्या होगी, पोर्टल वेन की मदद से लिवर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देन लिवर के अंदर वो मेटाबोलाइज हो जाएगी एंड जो साइट ऑफ एक्शन होगी वहाँ पर जो उसकी कंसेंट्रेशन पहुँचेगी वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो, इसका सिंपली मतलब यही होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है, मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन जो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है बीच में ही मेटाबॉलिज्म होने की वजह से। तो सिंपली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि हमने कोई भी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करी। ठीक है, उसके बाद में वो GIT में गई एंड GIT से वो डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन के पास जाने की जगह वो कहाँ चली जाती है, लिवर के अंदर चली जाती है, वहाँ पर उसका जो है मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच रही है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब एंटीरल रूट के अंदर भी सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है ओरल रूट। ओरल रूट हम सब लोग जानते हैं, ओरल रूट जो है इसमें ड्रग जो है वो डायरेक्टली ही माउथ से दी जाती है। जो ओरल रूट होता है ये बहुत ही पुराना रूट है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का एंड बहुत ही कॉमन मोड है, क्योंकि हम लोग जनरली भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स दी जाती हैं वो ओरल रूट से ही दी जाती हैं। ठीक है, अब ओरल रूट से सॉलिड फॉर्म में भी ड्रग दी जा सकती हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी ड्रग्स जो हैं वो ईजिली दी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ओरल रूट से जो ड्रग दी जाती हैं वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये सेफर होती हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, पेशेंट जो है इसे ईजिली ले सकते हैं एंड कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती कि कोई और हमारी हेल्प करे ओरल रूट से ड्रग लेने में, हम खुद ही जो है ड्रग को आराम से ले सकते हैं। देन उसके बाद में जो ओरल रूट से लेने वाली ड्रग्स होती हैं वो पेनलेस होती है, किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है एंड साथ ही साथ ये सस्ती भी होती हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एक्शन जो होता है इस रूट की वजह से जो आता है वो थोड़ा सा स्लो होता है एंड एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर जो है हम इस रूट से ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि एक्शन जो है वो थोड़ा धीरे आता है। ठीक है, देन इस रूट से हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स को ड्रग नहीं दे सकते हैं एंड जो अनपैलेटेबल ड्रग्स होती हैं, मतलब जिनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो उनको भी जो है हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में,
एंटरल रूट के अंदर वो आता है सब लिंगुअल या फिर बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सब लिंगुअल का मतलब होता है कि कोई ड्रग जो है वो जीभ के नीचे रखने के लिए हमें दी जाती है तो वो होती है सब लिंगुअल। एंड बक्कल का मतलब ये होता है कि कोई ड्रग जो है वो चीक्स के पास या फिर गम्स में रख करके थोड़ी देर तक उसे मतलब वहीं पर रखना होता है तो वो ड्रग जो है वो आती है हमारे पास बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जो सब लिंगुअल या बक्कल है ये पेरेंट्रल का पार्ट भी हो सकता है क्योंकि ये क्या करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम पेरेंट्रल का पार्ट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे सब लिंगुअल जीभ के नीचे हमने ड्रग रखी तो वो ड्रग क्या होती है सीधे ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन उसके बाद में साइट ऑफ एक्शन जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, बक्कल के अंदर भी यही होता है, चीक्स या गम से क्या होता है ड्रग डायरेक्टली ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला रूट जो है वो पेरेंट्रल रूट का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब जो सब लिंगुअल या बक्कल रूट होता है इसके थ्रू लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही दिया जा सकता है या फिर जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं उन्हीं को इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करा जा सकता है। एग्जाम्पल जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं GTN एंड डेस अमीनो ऑक्सीटोसिन। इन ड्रग्स को हम सब लिंगुअल या फिर बक्कल रूट से जो है दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं। सब लिंगुअल या बक्कल रूट से हम लोग अगर ड्रग को दे रहे हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रही है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो वो हमें कभी भी नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए कि कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो ये हमारे पास इसका एक एडवांटेज होता है। दूसरा ये होता है कि इसका एक्शन जो है वो भी जल्दी आता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि सब लिंगुअल या बक्कल रूट से ड्रग लेना जो है कुछ पेशेंट्स के लिए इनकन्वीनियंट रहता है, मतलब उन्हें जो है कुछ ड्रग्स जो है वो इस तरीके से लेना पसंद नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि भाई जीभ के नीचे ड्रग बहुत देर तक रखनी पड़ती है तो कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से ये रूट जो है कुछ पेशेंट्स के लिए इनकन्वीनियंट रहता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हमारे पास एंटरल रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट्रल रूट। तो जो हमारे पास पेरेंट्रल रूट होता है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पैर पार प्लस एंटरल। पार का मतलब क्या होता है बियॉन्ड एंड एंटरल का मतलब तो इंटेस्टाइनल होता है, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो पेरेंट्रल का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्रग्स जो इंटेस्टाइन जो है उससे पास नहीं होती, मतलब उसको क्रॉस करके चली जाती हैं, तो वो जो है वो पेरेंट्रल ड्रग्स होती हैं, मतलब ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएंगी एंड ब्लड से सीधे ही साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच जाती हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से वो पास नहीं होती हैं, तो उन्हें जो है हम पेरेंट्रल ड्रग्स कहते हैं, पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड इंटेस्टाइनल मतलब ये इंटेस्टाइन से पास नहीं होती हैं, डायरेक्टली ही ब्लड के अंदर जाती हैं। अब जो पेरेंट्रल रूट होता है हमारे पास ये क्या करता है, ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। तो एंटरल जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ड्रग जो है बीच में ही मेटाबोलाइज हो जाती है। पेरेंट्रल जो है ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है देन सर्कुलेशन के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पर सिंपली पहुंच जाती है। ठीक है, ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के साइट ऑफ एक्शन पर सर्कुलेशन की मदद से पहुंच जाती है, लिवर या इंटेस्टाइन से पास नहीं होती, तो इसलिए इसका जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम नहीं होती है, जितनी होती है उतनी ही रहती है। ठीक है, अब जो पेरेंट्रल के अंदर भी हमारे पास अलग अलग रूट्स आएंगे उनके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हीं को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्रल जो है इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, जब हम किसी ड्रग को इस रूट से देते हैं तो उसका एक्शन बहुत ज़्यादा फास्टर होता है एंड साथ ही साथ श्योरर होता है, मतलब एक्शन आएगा ही आएगा क्योंकि हम जब ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं वो ब्लड के अंदर जा रही है तो एक्शन तो उसका आएगा ही, साथ ही साथ एक्शन फास्ट आ रहा है इसलिए जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है वहाँ पर भी हम लोग ड्रग को पेरेंट्रल रूट से देते हैं। देन इस रूट से हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो हैं जो मतलब अपने सेंसेस के अंदर नहीं है, बेहोश वगैरह जो पेशेंट हो रखे हैं उनको भी हम इस रूट से ड्रग दे सकते हैं। देन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो रूट है वो बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी जो है इसके अंदर कम नहीं होती है। देन जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन से पास हो ही नहीं रही है तो इस वजह से जो फूड या फिर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है वो ड्रग को किसी भी तरीके से मतलब चेंज वगैरह नहीं करेंगे उसके अंदर एंड उसके रास्ते में नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि जो भी पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होती है उन्हें स्टरिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है वो डायरेक्टली ही ब्लड के अंदर जाएंगी, दूसरी तरफ इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगी ये दवाइयाँ पड़ती हैं।
ठीक है, देन जो पेरेंट्रल रूट से हम ड्रग को देते हैं तो ये टेक्निक जो है इनवेजिव होती है। मतलब क्या होता है, जैसे हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो इंजेक्शन जो है वो बहुत ही अंदर तक जाता है, साथ ही साथ बहुत ही पेनफुल भी होता है। आप लोगों में से किसी ने अगर कभी इंजेक्शन लगवाया होगा तो डेफिनेटली पेनफुल तो होता ही है। देन इसमें क्या होता है, असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। मतलब क्या है कि कोई जो इंसान है वो खुद को खुद ही इंजेक्शन नहीं लगा सकता। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग खुद ही इंजेक्शन लगा सकते हैं, बाकी जनरली इंजेक्शन लगवाने के लिए हमें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ही ब्लड के अंदर जा रही है, तो अगर गलती से भी कुछ टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट आया तो वो बहुत ज़्यादा लेवल पे आएगा एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हमें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास पेरेंट्रल था एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो इसके अंदर जो पार्ट आ रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग यही लिख सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला रूट जो हमारे पास आता है वो आता है इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है उसे हम इंजेक्ट करते हैं हमारी जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम वेन्स के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करें तो ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है एंड जो इफेक्ट होते हैं वो भी मतलब इमीडिएटली साथ के साथ ही जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये होता है हमारा इंट्रावीनस रूट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है, वहाँ से सर्कुलेशन के थ्रू सीधे ही साइट ऑफ एक्शन पर जा रही है, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी 100% होती है। देन इसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, देन ये बायपास मेटाबॉलिज्म जो है फॉलो करती है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, क्या होता है कुछ पेशेंट्स के लिए इनकन्वीनियंट रहता है क्योंकि भाई इंजेक्शन लगवाना, दर्द तो होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट कुछ लोगों के लिए रहता है। देन कॉस्टली होते हैं इंजेक्शन, देन पेनफुल भी ये रूट होता है। नाउ पेरेंट्रल के अंदर जो नेक्स्ट रूट आता है वो आता है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग होती है वो किसी एक लार्ज स्केलेटल मसल जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट करी जाती है, जैसे कि डेल्टॉइड मसल हो गई, ट्राइसेप्स मसल हो गई, उसके अंदर जो है ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है। अब जो मसल्स होती हैं ये ज़्यादा वस्कुलर होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो इसका फास्टर होता है। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ड्रग को डायरेक्टली स्केलेटल मसल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है ये जो एंटीकोएगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिन्हें एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के द्वारा ट्रीट करा जाता है उनके अंदर इसे अवॉइड करा जाता है। ठीक है, एग्जांपल जो आते हैं वो आते हैं ऑयली सॉल्यूशन हो गए, एक्वस सस्पेंशन हो गए, उन्हें इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबक्यूटेनियस रूट। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है उसे जो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है जिसके अंदर नर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, वस्क्युलर जो है वो कम होता है, तो उधर जो है इसे डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस के अंदर ड्रग को डायरेक्टली डिपोजिट करा जाता है लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। ठीक है, देन जो सबक्यूटेनियस रूट होता है इसे शॉक पेशेंट्स के अंदर अवॉइड करा जाता है। ठीक है, एंड इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो सबक्यूटेनियस रूट होता है इसके अंदर इंजेक्शन जो है वो बहुत अंदर तक नहीं देना होता, ऊपर ऊपर ही देना होता है, तो इसलिए सेल्फ इंजेक्शन जो है पॉसिबल है। मतलब कोई पेशेंट जो है वो खुद को खुद इंजेक्शन लगा सकता है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जो इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल के अंदर क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है उसे डायरेक्टली स्किन के अंदर दिया जाता है एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्किन को जो है उसमें एक ब्लैब रेज करते हैं, मतलब जैसे कि हमारी स्किन है तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, वहाँ पर जो है इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर स्किन के ऊपर स्कार बनाया जाता है या फिर मल्टीपल पंक्चर करे जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो है इंट्राडर्मल रूट से ड्रग दी जाती है। देन इंट्राडर्मल रूट से जब हम ड्रग देते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही दी जाती है, ऐसा नहीं है कि जनरली ही इंट्राडर्मल रूट को यूज़ करा जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इसे यूज़ करा जाता है, जैसे कि जो BCG की वैक्सीन होती है वो भी इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रा आर्टीरियल रूट। इंट्रा आर्टीरियल इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ड्रग जो है उसे डायरेक्टली आर्टरी के अंदर जो है इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है, आर्टरी क्या होती है, वो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से टिश्यू एंड ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई करती है, तो इंट्रा आर्टीरियल के अंदर ड्रग को डायरेक्टली ही आर्टरी के अंदर एडमिनिस्टर करा जाता है। एग्जाम्पल आता है एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है इन्हें हम इंट्रा आर्टीरियल रूट से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंट्रा कार्डियक रूट। इंट्रा कार्डियक रूट के अंदर ड्रग जो है उसे डायरेक्टली हार्ट की मसल जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है, इस रूट को जो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ही यूज करा जाता है एंड
कोई एक्सपर्ट जो है वो ही इस रूट से इंजेक्शन दे सकते हैं, हर कोई जो है इस रूट से इंजेक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है। लास्ट आता है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट जो है, थीकल का मतलब जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो इसमें क्या होता है इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली या तो स्पाइनल केनाल के अंदर दिया जाता है या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर दिया जाता है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है, ये स्पेस होता है जो थिन लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, उनके बीच का स्पेस जो है उसे सब एरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है। मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो थिन लेयर्स ऑफ टिश्यू कवर करती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है। तो इस रूट से इंजेक्शन जो है वो या तो स्पाइनल केनाल के अंदर या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ड्रग जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसके अंदर चली जाती है। अब इस रूट को स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए या फिर पेन मैनेजमेंट के लिए जो है यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।